असलम दोस्तों, अर्थमेटिक स्टेट फोर फॉर FIA FBR पुलिस डिपार्टमेंट। दोस्तों, FIA FBR पुलिस डिपार्टमेंट एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इंशाल्लाह ताला सवाल जरूर लगेंगे। सवाल शुरू करने से पहले आप काबिल एहतराम दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली सेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ 1:3/5 एंड 7:10 इन लोएस्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 1:3/5 एंड 7:10। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हमें जो है रेशियो फाइंड करना है जो है लोएस्ट फॉर्म में। अभी फाइंड करने का तरीका दोस्तों ये हो गया दोस्तों 1:3/5 एंड दोस्तों ख़त्म करके हमें क्या देना पड़ेगा, रेशो देना पड़ेगा, उसके बाद ये 7:10। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों, रेशो में दोस्तों चेंज तो हो गया, अभी हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये क्या है दोस्तों, कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो तरीका दोस्तों, इस एक को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा दोस्तों इसके साथ क्या करेंगे, जमा करेंगे। अभी जवाब क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 5, तो 5 और 3 जवाब क्या आएगा दोस्तों, 8। उसके बाद ये अपॉन देकर ये आप लोगों को 5 देना पड़ेगा, उसके बाद ये रेशियो 7:10। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस 5 और इस 10 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 10 का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे पहले हमें दोस्तों सिमाइल्स टेबल मींस ये इवन है तो इवन को दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा। इवन को दोस्तों जो है सिमाइल्स टेबल लगाएंगे, तो इवन का सिमाइल्स टेबल क्या है दोस्तों, 2 है, तो ये 5 हमें नीचे उतारना पड़ेगा, उसके बाद इस 10 को टेबल लगाएंगे, 2 का कितना बार दोस्तों, 5 बार। ठीक है, 2 यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद दोस्तों इवन खत्म हो गया, ये क्या है दोस्तों, ओड है, तो सबसे पहले हमें कोशिश करना पड़ेगा ओड का सिमाइल्स टेबल, तो 3 सिमाइल्स टेबल है, 3 एग्जिट दोस्तों यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो उसके बाद 3 के बाद दोस्तों ओड का जो है टेबल क्या है, 5 है, तो हमें 5 का टेबल लगाना पड़ेगा, एक बार इसे एक बार। ठीक है, अभी इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जवाब क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 10 को 8:5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 7:10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 8:5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, उसके बाद ये रेशो 7:10 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ दोस्तों, 10 के साथ। ठीक है, अभी मैथामेटिक्स के रूल में इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, एक है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टेबल लगाएंगे, 5 का टेबल एक बार, 10 को 5 का टेबल कितना बनेगा, 2 बार, उसके बाद 10 को 1 बार, इसे एक बार। ठीक है, अभी टेबल नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 16, उसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 1, तो नीचे वाला दोस्तों जो 1 है वो हमें लिखना नहीं है, जस्ट समझना है, उसके बाद ये रेशो, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, 7, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, तो नीचे वाला 1 हमें लिखना नहीं है, जस्ट समझना है, अगर 1 ऊपर होता दोस्तों, अगर यहाँ पर भी 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें ऊपर लिखना पड़ता। ठीक है दोस्तों, नीचे वाला हमें 1 लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। तो दोस्तों जो है रेशियो में भी कन्वर्ट हो गया, उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में, अभी यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा है तो ये क्या है दोस्तों, लोएस्ट फॉर्म है इसका। ठीक है दोस्तों, 1:3/5 एंड 7:10 दोस्तों जो है लोएस्ट फॉर्म रेशियो में कन्वर्ट हो गया, 16:7 इसका क्या है दोस्तों, दुरुस्त जवाब है।
उसके बाद दोस्तों वन अपॉन फाइव रेशो टू अपॉन थ्री, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है दोस्तों, किसका बराबर होगा। तो दोस्तों अभी इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट करेंगे। सॉल्व करने का तरीका दोस्तों, तो फाइव थ्री का क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम, फाइव थ्री का एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों सिमालेस टेबल जो है तीन है, तो तीन को टेबल लगाना पड़ेगा, तीन ओड है ना, तो सिमालेस टेबल ओड का तीन है तो एक बार लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है ये पाँच है, पाँच को दोस्तों एक बार लगेगा, पाँच का। अभी थ्री और पाँच को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या दोस्तों, 15 आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करेंगे दोस्तों, वन अपॉन फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, उसके बाद टू अपॉन थ्री को भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, वन अपॉन फाइव ज़रब देंगे, उसके बाद 15, उसके बाद ये रेशो टू अपॉन थ्री ज़रब देंगे, उसके बाद क्या दोस्तों 15, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टेबल लगाएंगे, पाँच का टेबल दोस्तों एक बार, 15 को 5 का टेबल कितना बार लगेगा दोस्तों, तीन बार लगेगा, ठीक है। उसके बाद तीन को एक बार, तीन का टेबल 15 को दोस्तों कितना बार लगेगा, पांच बार लगेगा। जो टेबल यहाँ पर आप लगा रहे हो वही टेबल आप लोगों दोस्तों यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो टेबल यहाँ पे आप लोगों ने लगाया वही टेबल दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप लोगों ने दोस्तों जो पांच का टेबल लगाया, यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा है पांच का, तो दोस्तों आप लोगों को लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टेबल नहीं लग रहा है तो एक को तीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या होगा दोस्तों, तीन। उसके बाद ये एक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैथामेटिक्स रूल में एक है, ठीक है। एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा एक, तो नीचे वाला एक हमें लिखना नहीं, जैसे समझ रहे। उसके बाद दोस्तों ये रेशो, उसके बाद इस दो को पाँच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या होगा दोस्तों, 10। उसके बाद इस एक को, इसके नीचे कुछ भी नहीं है एक है, ठीक है, इस 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है, मैथामेटिक्स रूल में एक है। एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा एक, तो एक हमें लिखना नहीं है, जस्ट समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा है तो 3:10 इसका क्या दोस्तों, दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों कन्वर्ट 3 रेशियो फॉर्म, अभी दोस्तों इस थ्री को दोस्तों रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। मैथमेटिक्स रूल में किसी भी अमाउंट के नीचे कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्या है, एक है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, रेशियो में, ये हो गया दोस्तों 3 अपॉन का मतलब क्या दोस्तों, रेशियो है, ये रेशियो देकर आप लोगों को एक देना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 दोस्तों रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 3:1 क्या है दोस्तों, इसका दुरुस्त जवाब है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को कहा जाए कि कन्वर्ट 2/9 इंटू रेशियो फॉर्म, तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 2, उसके बाद ये अपॉन, अपॉन का मतलब क्या है दोस्तों, रेशियो, ये आप लोगों को 9 देना पड़ेगा, 2:9, ठीक है, 2/9 रेशियो में दोस्तों कन्वर्ट हो गया इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो 3 का दोस्तों रेशियो क्या बनेगा, 3:1 इसका बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद दोस्तों फाइंड द रेशियो बिटवीन आर एस थर्टी एंड आर एस 10 इन लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है दोस्तों, लोएस्ट में दोस्तों हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी रेशियो दोस्तों फाइंड करने का तरीका ये हो गया दोस्तों रेशियो, ठीक है, तो ये 30 एंड की जगह पर आप लोगों को देना पड़ेगा रेशियो, ये 30, ये रेशियो, उसके बाद ये क्या है दोस्तों 10। अभी दोस्तों टेबल लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि लोएस्ट है तो हमें 2 का टेबल लगाना पड़ेगा, 1 2 2 1 इधर शिफ्ट करेंगे, 5 2 2 10। अभी यहाँ पर दोस्तों 2 का टेबल लगाए तो यहाँ पर भी हमें 2 का ही टेबल लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 10 को
दो का टेबल कितना बार लगेगा? पांच बार। अभी दोस्तों यहाँ पर कौन सा टेबल लग रहा है? यहाँ पर दोस्तों जो है थ्री का भी लग रहा है, पांच का भी। तो अगर यहाँ पर हम थ्री का टेबल लगाते हैं तो देखेंगे इसे थ्री का टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पांच का टेबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पांच का टेबल इसे भी लग रहा है और इसे भी। ठीक है, तो पांच का टेबल तीन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 30 और क्या दोस्तों 10 का रेशियो, मीन्स RS 30 और RS 10 का रेशियो क्या बना दोस्तों? 3:1 बना। ठीक है दोस्तों, 3:1 क्या है दोस्तों? इसका दुरुस्त जवाब है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कहा जाए कि फाइंड द रेशियो बिटवीन RS 210 और दोस्तों एंड जो है 105। अभी दोस्तों इसका रेशियो सेम तरीका इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। तो ये हो गया दोस्तों 210, ये रेशियो 105। तो दो का टेबल दोस्तों, यहाँ पर दो का टेबल इसे लग रहा है लेकिन दो का टेबल इसे नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दो का टेबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है? तीन का टेबल लग रहा है। ठीक है, दो के बाद क्या है? तीन है ना, तीन का टेबल इसे भी लग रहा है और इसे भी लग रहा है। तो हमें लगाना पड़ेगा तीन का टेबल दोस्तों 21 को कितना बार लगेगा? सात बार, ये सिफर देंगे। उसके बाद इसे कितना बार लगेगा दोस्तों? 10 को तीन का टेबल तीन बार, एक इधर शिफ्ट किया ये 15, तीन का टेबल 215 को पाँच बार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन सा टेबल लग रहा है? यहाँ पर दोस्तों दो का टेबल लग रहा है लेकिन 35 को दो का टेबल नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो है पांच का टेबल इसे भी लग रहा है, इसे भी लग रहा है, हमें लगाना पड़ेगा। तो सात को दोस्तों पांच का एक बार, दो इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो गया दोस्तों 20, तो चार बार लगेगा। ठीक है, उसके बाद पांच का टेबल सात बार लगेगा। उसके बाद दोस्तों 14 को इसी अभी दोस्तों इस 14 को जो है दो का भी टेबल लग रहा है लेकिन इसे नहीं लग रहा है। तो हमें लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा टेबल लगेंगे? सात का टेबल, क्योंकि सात का टेबल इसे भी लग रहा है, इसे भी। तो सात का टेबल दोस्तों दो बार, सात का टेबल दोस्तों एक बार। ठीक है, तो 2:1 इसका क्या है दोस्तों? दुरुस्त जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सवाल था फाइनल सवाल। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे। तो जाने से पहले आप काबिल एहतराम दोस्तों दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।